और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, आप कल्पना कीजिए कि इनके साथ में अगर ये हुआ है और इन्होंने हिम्मत करके आवाज़ उठाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, सर ऊंचा करती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए कि विदेश में जहां भी जिस भी खिलाड़ी ने हमारे ने गोल्ड मेडल जीता है उसका झंडा, देश का झंडा ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान वहाँ बजाया जाता है। ये सम्मान देश को मिलता है और उस सम्मान को देने वाले ये बच्चे हैं। इनके साथ में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गाँव में जो गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बच्चियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ में क्या खिलवाड़ होता होगा। और अगर इन्होंने हिम्मत की है उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है, अपराधियों को बचा रहा है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, अपराध नहीं किया है। अगर गुनाह नहीं किया है तो इस्तीफा दो, सरेंडर करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा, अभी से राजनीति क्यों कर रहे भाई? तो राजनीति तो यहाँ लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा। अगर अपने हक के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना राजनीति है, और इससे और भी ज्यादा बगावत है तो हम वाकई में राजनीति कर रहे हैं, हम बागी हैं, इससे किसी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, खाप पंचायत के सामने ब्रजभूषण सर झुका रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो गई, साऊ चाचा जो आ रहे हैं यहाँ पर वो समझदारी। अच्छा, अभी भी ये कह रहा बच्चों से गलती हो गई? हाँ। मतलब इतनी बेशर्मी है कि अभी भी बच्चों की गलती बता रहा है? ये उसी की गलती है और उसे उस जैसे कितने ही लोगों की गलती। अगर वो बेगुनाह, फिर कह रहा हूँ बतानी चाहिए कि तेजस्वी यादव की चाल है, बताना चाहिए था अखिलेश यादव की भी चाल है, बताना चाहिए था कि भाई ये जो नीतीश कुमार की भी चाल है, तो सभी और हाँ जोड़ लो कि हमारी चाल है। तो देखिए, इनके पास इस तरह के घटिया बातों के अलावा दूसरा कोई तर्क नहीं है। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, बड़ी गंभीर धाराएं हैं, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन या गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, तो ये संविधान के हिसाब से चल रहा है देश या किस हिसाब से? ये आप भूल जाइए कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। न संविधान के हिसाब से चल रहा, न लोकतंत्र के हिसाब से, केवल उसका दिखावा किया जा रहा है। और संविधान को और लोकतंत्र को और कानून को और न्याय को सरकार द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है। सर, एक बात है, जिस तरह से बॉर्डर सील करने की बात की जा रही है 16 मई को, क्या इससे कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आपने देखा नहीं, 13 महीने लड़ना पड़ा बॉर्डर सील करके, तो लड़े किसान। फिर भी मैं कह रहा हूँ अभी जितनी जल्दी हो जाए प्रधानमंत्री मान लें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में ये ना हो कि प्रधानमंत्री भी गद्दी चली जाए, ये भी हो सकता है। देश जिस तरह से गुस्से में है और लोग लगातार जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं, अगर ये और कुछ दिन चला तो ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ जाएगा और फिर ना वो बचे ना वो बचे, दोनों पर। सर, ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो कानून के हिसाब से होगी, FIR दर्ज हो गई है, ऐसा थोड़ी खाप पंचायत थोड़ी ना ऐलान करेगी क्या होना है क्या नहीं, क्या होती है थोड़ी ना देश चलेगा, क्या होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई, क्या होती है? 10 दिन हो गए FIR हुए, इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया अभी तक, ये होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई? कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो पहले ही दिन उसको अरेस्ट किया जाता, उसे रिजाइन करना चाहिए था और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सबके बयान होने चाहिए थे। क्या ये बच्चियों के आगे बयान लिए पुलिस ने? क्या बच्चियां जो और बताती उनकी कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कोई बयान लिए? नहीं लिए ना, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेब से 30 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इन बेटियों के लिए, तभी मेडल आया है, वो कह रहे हमारा भी योगदान है मेडल लाने में। खरीद के लाया तू क्या मेडल? उससे ये पूछो जो बकवास कर रहा है, खरीद के लाया क्या? पैसा लगाया जेब से, पैसा उसके बाप का पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा है, ये देश अपना पैसा लगाया तो देना बजट बना के, ये पैसा मैंने लगाया, वो देश का पैसा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है वो उसका पैसा है, ये आम जनता नहीं है कि जिसको चाहो आप मूर्ख बना लोगे, अपनी जेब से पैसा लगाया, देश का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का लगा हुआ पैसा है। उसके बाद और वो भी पैसा खिलाड़ियों को जितना मिलना चाहिए, खिलाड़ियों की डाइट जिस तरह की होनी चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है, और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जिस तरह के गंभीर आरोप हमारी बच्चियों ने लगाए हैं उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी तक। क्या लग रहा है जिस तरह से वापस लाने जा डेमोक्रेसी को, क्या हुआ डेमोक्रेसी को जो सबवर्ट किया जा रहा है हर एक इंस्टीट्यूशन में, तो उसका कोई हाईजैक होगी डेमोक्रेसी, उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोगों की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है, इस देश की जनता की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश को पता नहीं कभी ऊंचाई से लगती है तो आंदोलन करने आ जाते हैं, कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बीमारी की असली जड़ क्या है। जिस दिन इस देश की जनता इस बीमारी की असली जड़ समझ गई, उस दिन सबसे पहला काम करेगी EVM के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसके बाद करेगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम, तब समझो कि देश की जनता समझी, और तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपके और हमारे सबके अधिकार बनेंगे, अन्यथा
और भांड मीडिया की बात मत करो सर, उसे बार बार मुझे कहना पड़ता वो गुलाम मीडिया है, वो मोदी का प्रवक्ता है, वो मीडिया नहीं है, वो बस वो है। सर लास्ट सवाल है, कर्नाटक में मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर बेटियां धरने पर बैठी, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा जनता को और क्या चाहिए। जनता के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहा है झूठा आदमी है। कर्नाटक में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा, अबे तेरा घर ही हो रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर भी नहीं है, तो 5 किलोमीटर में बेटियों से मिलने नहीं आ सकता, कहेगा बेटी बचाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस चरित्र का है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है और सोचता कुछ है। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा, न्याय केवल मिलेगा जब तक सभी लोग मिलकर इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। साथ देंगे सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे तभी न्याय। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भूत उतारना पड़ेगा, क्या मतलब है? बढ़िया, बिल्कुल सही, इस बात को तो वो अच्छी तरह समझाएंगे, पर आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि भूत क्या, ये भूत तो पहले ही उतर जाता आंदोलन में, वो घुटने टेक गया ना, तो आज तक ये आंदोलन चला होता किसान आंदोलन, तो भूत उतर गया होता। उतरेगा भूत, क्या मतलब है इसका? भूत उतारने का मतलब ये है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना, तभी भूत उतरेगा। जब तक ये सत्ता में है तब तक ये तानाशाह बने हुए हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। 300 सीट है, कैसे घाटेगी सरकार? भैया 400 सीट थी राजीव गांधी की, वो भी साफ हो गए, तो इसके तो 350 क्या 300 ही है, 303 ही है। ये तो है क्या जी? ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। क्या करें? ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, और किसान अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को समझो, उनकी बात के दम को समझो, उनकी सच्चाई को समझो। किसानों ने 13 महीना आंदोलन करके दिखाया, वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं, और ट्रैक्टर तैयार ही नहीं खड़े हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ और बहुत कुछ तैयार खड़ा है। और अब क्या, अगर किसान आएगा सड़क पर तो बहुत लोग आएंगे साथ में।